न्यू अवतार भगवान सम्राट अध्याय 2893। भगवान सम्राट अध्याय 2893। बेहतर शैतान के पत्थर के खंभे बादलों में गिर गए, राक्षसी जादू की शक्ति का प्रदर्शन किया और एक मूर्ति चौंकाने वाली थी। वांशी के प्राचीन कुएं एक के बाद एक टूटते गए, बिखरे हुए और जीवन के उतार चढ़ा। इन्हों उटांबुला, फूलों की खुशबू, क्रिस्टल की पंखुड़ियां, ताजा राक्षसों से घिरी दुनिया को रोशन करने वाली और जीवन की सांस ओसे युक्त झांग रोचेन और गुशी हुआन हुआन कुएं के पास खड़े होकर बहुत सारी बातें कर रहे थे। समय समय पर दूर से सफेद बालों वाली सहकर्मी और स्वतंत्र महिला। न्यू अवतार भगवान सम्राट अध्याय 2893। भगवान सम्राट अध्याय 2893। बेहतर शैतान के पत्थर के खंभे बादलों में गिर गए, राक्षसी जादू की शक्ति का प्रदर्शन किया और एक मूर्ति चौंकाने वाली थी। वांशी के प्राचीन कुएं एक के बाद एक टूटते गए, बिखरे हुए और जीवन के उतार चढ़ा। इन्हों उटांबुला, फूलों की खुशबू, क्रिस्टल की पंखुड़ियां, ताजा राक्षसों से घिरी दुनिया को रोशन करने वाली और जीवन की सांस ओसे युक्त झांग रोचेन और गुशी हुआन हुआन कुएं के पास खड़े होकर बहुत सारी बातें कर रहे थे। समय समय पर दूर से सफेद बालों वाली सहकर्मी और स्वतंत्र महिला को देखते हुए उनकी आंखें अधिक से अधिक चिंतित और अधिक सम्मानजनक हो गईं। यह निश्चित है कि मेरे सामने सब कुछ एक भ्रम नहीं है। झांग रोचेन चले गए, अपने असहज मूड को समायोजित किया, झुककर सलाम किया और कहा, सीनियर तियानमा से मिलना। उसके सामने यह एक सच्चा पौराणिक व्यक्ति है जो अनथीन वर्षों से लापता है और सैकड़ों हजारों वर्षों से दुनिया में गायब हो गया है। अगर वह यहाँ नहीं थी तो गुशी हुआन हुआन यहाँ कैसे आ सकती थी। यह रक्षा जनजाति की सबसे भयंकर भूमि लोजू युनशान क्षेत्र के स्वामी की दादी थी और वह सिर्फ उसकी वंशज थी। लोजू युनशान क्षेत्र ने रक्षा जनजाति को पहली भयंकर भूमि कहने की हिम्मत की। इतने सालों से किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की है क्योंकि उसके सामने यह अस्तित्व में है। एक दिन में कोई भी आसानी से लोजू युनशान क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। तियानमा 72वें दानव भगवान के पत्थर के खंभे के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी जवान था लेकिन उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने झांग रोचेन को पीछे मुड़कर देखा। आंखें चमकदार हैं, लेकिन आंखें अतुलनीय हैं। वह पहले से ही सभी प्रकार के जीवन का अनुभव कर चुका है। दुनिया हंसती है और दुहक देती है। उसने झांग रोचेन को लंबे समय तक देखा, जैसे कि लंबे अतीत को याद करते हुए, और कहा, उटांबुला फूल अभी परिपक्व नहीं हुआ है। मैं आपको इसे छीनने की अनुमति नहीं दूंगा। झांग रोचेन ने कहा, मैं अंधेरे रसातल में आया था, उटांबुला फूलों के लिए नहीं। मैं अपने शरीर पर अभिशाप को तोड़ने के लिए सिर्फ मणि मोती या यिन जुएटियन ढूंढना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी वरिष्ठों से भीख मांगती है और संकेत दे सकती है। गुशे हुआन हुआन ने अनुरोध के साथ एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली आवाज के साथ कहा, पुराने पूर्वज, आपके पास महान जादुई शक्तियां हैं और आप निर्जन प्राचीन शहर के संरक्षक हैं। आप निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकते हैं, है ना? झांग रोचेन के शरीर का रहस्य स्पष्ट रूप से तियानमा द्वारा देखा गया था। दादी तियान की आवाज अंथीन अवसाद से भरी हुई थी और कहा, यिन जुएटियन कई साल पहले दमिंगशान गए थे, न कि सुनसान प्राचीन शहर में। मनीजू के लिए मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। गुशी हुआन हुआन ने जल्दबाजी में कहा, क्या पूर्वजों के लिए उस पर शाप तोड़ने का कोई तरीका है? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप देखिए कि वह कितने दयनीय हैं। झांग रोचेन ने एक अजीब रूप दिखाया। तुम कहाँ दयनीय हो? कोई रास्ता नहीं है। तियानमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसके पास कई शक्तिशाली लोगों की सांस है। यिन जुएटियन के ताओवादी स्लैशिंग शाप, अगर इसे तोड़ना इतना आसान है तो वह अंधेरे रसातल में नहीं आएगा। गुशी हुआन हुआन का चेहरा बहुत अधिक उदास हो गया और यहाँ तक कि तियानमा ने भी ऐसे शब्द कहे जिससे पता चलता है कि शेन चू स्क्रॉल सही है और झांग रोचेन वास्तव में भगवान नहीं बनने के लिए नियत है। सब कुछ भाग्य है। अगर केवल ग्रेट मिन माउंटेन पर जाने से मुझे शाप तोड़ने का मौका मिल सकता है तो मैं जाऊंगा, झांग रोचेन ने कहा। तियानमा का स्वर ठंडा था, एक चेतावनी भरे स्वर में, क्या आप जानते हैं कि ग्रेट मिंगशान किस तरह की जगह है?
प्राचीन काल से कोई ज्ञात स्वर्गीय व्यक्ति नहीं है जो महान मिंगशान गए और कभी वापस नहीं आए। आपकी खेती के आधार पर मैं वहां बिल्कुल नहीं जा सकता और रास्ते में ही मर जाऊंगा। झांग रुचेन की आंखें गहरी और अंतर्मुखी थीं, बिना किसी डर के, और यह कहते हुए पीछे मुड़ना नहीं चाहती थीं, अगर मैं दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता तो मैं बहुत सी चीजें नहीं कर पाऊंगा और मैं कई लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और यहां तक कि पिछले शक्तिशाली दुश्मनों से बदला भी आकर्षित करूंगा। इस तरह मौत के साथ क्या अंतर है? दादी तियान आगे बढ़ी और अचानक कहने से पहले दर्जनों कदम चलती रही, आपका मेरे साथ कुछ संबंध है और मैं आपको दिव्य आदेश की एक स्क्रॉल दे सकती हूँ। अंधेरे की खाई छोड़ने के बाद आपको केवल दिव्य आदेश को प्रकट करने की आवश्यकता है। स्वर्ग के देवता और स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। उस समय कोई भी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। यह एक शरण नहीं है बल्कि एक इच्छा है। ऐसा साहस, ऐसी इच्छा जैसे स्वर्गीय दरबार में हाउतियन रक्षा जनजाति के लिए लोयान महान और कुनलुन क्षेत्र में नाशवान द्वीप स्वामी। लेकिन उसकी इच्छा स्वर्ग और नरक के देवताओं पर लक्षित है। झांग रोचेन का मानना है कि तियानमा में ऐसी ताकत है। आखिरकार दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे उकसाने के लिए तैयार है। अगर स्वर्ग जानता था कि वह अभी भी जीवित है तो वह निश्चित रूप से उसे दुनिया से बाहर नहीं भड़काना चाहेगा, इससे निस्संदेह स्थिति बदतर हो जाएगी। झांग रोचेन ने कहा, तियानमा चाहता है कि मैं जीवन भर के लिए औसत दर्जे का रहूं और महान सड़क का पीछा करना बंद कर दूं। दाओ कलेशिंग शाप में सफल, यह आपका एकमात्र विकल्प है, तियानमा ने कहा। झांग रोचेन आत्मनिंदा से मुस्कुराया लेकिन बहुत दृढ़ था और कहा, क्या होगा अगर मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ? लड़ो, इसका मतलब है कि तुम मर सकते हो, तियानमा ने कहा। लोग आखिरकार मर जाएंगे, झांग रोचेन ने फिर से कहा। वास्तव में मैंने अब देवताओं के एवेन्यू का पीछा नहीं करने के बारे में सोचा है, अब विश्व विवादों में भाग नहीं लेना चाहता। बस उन लोगों के साथ इत्मीनान से जीवन बिताना चाहता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ और मेरे आसपास के दोस्त और इसका आनंद लें। लेकिन मैंने पाया कि यह सब कुछ एक असाधारण आशा है। जब उस दिन पृथ्वी परेशान होती है तो पूरा ब्रह्मांड एक युद्ध का मैदान होता है। जीवन भर आराम करने के लिए जगह कहाँ है? यदि आपके पास एक मजबूत खेती का आधार नहीं है तो आपको यह चुनने का भी अधिकार नहीं है कि खुद को कैसे बचाएं, अपने आसपास के लोगों की रक्षा कैसे करें, खुश और आरामदायक कैसे रहें। मुझे अभ्यास करना होगा, मुझे मजबूत बनना होगा, मुझे हर किसी की तुलना में मजबूत बनना होगा, दादी तियान ने कहा। बहुत अच्छा, चूंकि आपने मेरी दयालुता को अस्वीकार कर दिया है तो आपको अगली चुनौती का सामना करना होगा और खुद को मारना होगा। भगवान का आदेश असंभव है। इतना कहने के बाद तियानमा आगे बढ़ गया। गुशी हुआन हुआन ने अपने पैरों को थपथपाया और शिकायत की, जाहिर है दुनिया में खड़े होने के लिए लगभग कोई जगह नहीं है, आप चेहरा बचाने के लिए इतने मृत क्यों हैं? पूर्वजों का फरमान है, यानी नीति का मंदिर और अंधेरे का मंदिर अब तुम्हारे खिला नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप चेहरा चाहते हैं तो आपको पहले दिव्य आदेश प्राप्त करना होगा, है ना? झांग रोचेन ने कहा। भगवान के आदेश के साथ चलते हुए क्या अंडरवर्ल्ड मंदिर का अभिशाप हटाया जा सकता है? मंदिर अभिशाप को उठाने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्या मंदिर चेहरे को नहीं बचाता है? आपको यह समझना होगा कि उन्हें ईश्वरीय इच्छा के साथ कुछ भी नहीं करने से रोकना और तियानमा की इच्छा के अनुसार काम करने का आदेश देना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं, गुशी हुआन ने कहा। दूर से तियानमा की आवाज आई, वास्तव में दुनिया में कोई भी नहीं है जो ताओवादी श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन ताओवादी श्राप आपको मार नहीं सकता है। क्या तुम भगवान नहीं बन गए? गुशी हुआन हुआन ने कहा। हालांकि वह सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति के साथ बनने में सक्षम होने के नाते आप मार्शल आर्ट के साथ एक भी बन सकते हैं, जब तक कि आपकी इच्छा काफी मजबूत हो। बेशक यदि आप पूर्ण भौतिक ताओवाद की खेती कर सकते हैं तो आप ताओवादी मंत्र से लड़ने के लिए अधिक शक्ति जुटा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। झांग रोचेन समझ गया।
यह पता चला कि तियानमा अभी उसका परीक्षण कर रहा था, उसके दृढ़ संकल्प को जानना चाहता था। यदि वह पर्याप्त दृढ़ नहीं है तो उसे पूर्ण शरीर और ताओवाद विकसित करने में मदद करना तो दूर की बात है। यह अनुमान लगाया जाता है कि परमेश्वर उसे नहीं देगा। तियानमा के स्तर के लोग स्वाभाविक रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग अच्छे नहीं दिखते हैं वे कभी भी दूसरा रूप नहीं लेंगे। तथाकथित सर्वोच्च क्षेत्र भिक्षु के भौतिक शरीर के संलयन और सर्वोच्च शरीर की खेती करने के पवित्र तरीके के नियमों को संदर्भित करता है। पवित्र मार्ग का एक नियम एक शरीर के कण को विलीन करता है। मनुष्य लगभग 60 ट्रिलियन कणों से बना है और कुछ में केवल 55 ट्रिलियन या उससे भी कम हो सकते हैं, कुछ 65 ट्रिलियन या उससे अधिक हो सकते हैं। पूर्ण भौतिक शरीर ताओवाद का अर्थ है कि शरीर के सभी कण पवित्र मार्ग के नियमों के साथ एकीकृत हैं। यह सर्वोच्च क्षेत्र की सबसे आदर्श स्थिति है और यह एक असंभव क्षेत्र है। इसलिए पूर्ण शरीर ताओवादी है और पवित्र मार्ग के नियमों की कोई पूर्ण संख्या नहीं है। हालांकि एक बार जब आप एक पूर्ण भौतिक शरीर को विकसित कर लेते हैं तो भौतिक शरीर की ताकत निचले सच्चे भगवान के दिव्य शरीर से भी अधिक हो सकती है। इस भौतिक शरीर के साथ आपदा को दूर करने के लिए एक दृढ़ आध्यात्मिक इच्छा शक्ति के साथ भले ही शरीर को श्राप के अधीन किया जाता है, फिर भी दिव्य आपदा से बचने का मौका मिलता है। झाम रोचेन पहले से ही पूर्ण अवतार के बहुत करीब है, लेकिन बार बार हमलों के बाद वे सभी विफलता में समाप्त हो गए। राक्षस के तीन प्रमुख स्रोतों में से राक्षस पूर्वज राक्षस मास का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध है। यदि केवल एक व्यक्ति है जो झांग रुचेन को पूर्ण शारीरिक रूप में विकसित करने में मदद कर सकता है तो वह व्यक्ति तियानमा होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि तियानमा उस वाक्य को छोड़ने के बाद गायब हो गया और उसने यह नहीं बताया कि झांग रुचेन को पूर्ण शारीरिक रूप से विकसित करने में कैसे मदद की जाए। लंबे समय तक इंतजार किया, झांग रोचेन आखिरकार इसे रोक नहीं सका और पूछा, सीनियर तियानमा कहाँ गया? गुशे हुआन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हाल ही में यहाँ आया था। कौन जानता है कि यह पूर्वज आपकी मदद करना भूल गया है। तुरंत उसने 72 राक्षस पत्थर के खंभों को देखा, पाउडर मुट्ठी को काट दिया और अनुमान लगाया। आपने कहा क्या पूर्वज चाहते थे कि आप खुद से महसूस करें? उसने एक बार मुझसे कहा था कि ये 72 दानव पत्थर के खंभे तुच्छ नहीं हैं। रहस्य को समझें, यह जरूरी सच नहीं है। पूर्ण शरीर की खेती का रहस्य भी यहाँ है। सच में मुझे कैसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको समझने में मदद करूं? झांग रोचेन ने कहा। अचानक गुशी हुआन हुआन का चेहरा ठंडा हो गया और वह चिल्लाया, मेरी समझ आपसे कमजोर नहीं है, आपको आपकी मदद की आवश्यकता क्यों है? इन शब्दों को त्याग कर वह दानव देवता के एक पत्थर के खंभे के नीचे क्रॉस पैर बैठी हुई चली गई और झांग रुचेन को अनदेखा कर दिया। झांग रुचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और खुद से कहा, आपने अचानक लोगों को क्यों बदल दिया? विच पैलेस के नीचे यान गुशेन 9 फीट और 6 फीट लंबा है, जिसमें शानदार सुनहरी रोशनी और शक्ति आकाश में बढ़ रही है। उसके पैर लहरों की तरह हैं, जो गोलों में लुढ़क रही हैं। बूम! उसने अंधेरे क्षेत्र में वो बियान को घूंसा मारा, खून उगल दिया, उसकी छाती ढह गई, उसका शरीर टूट गया और वह बगल से उड़ गया। यान लुओ जनजाति के 6 देवताओं की मुठभेड़ों और अपमान ने यान गुशेन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। अब पूर्ण भौतिक रूप की खेती के बारे में नहीं सोच रहा था, पूरी तरह से क्षेत्र को तोड़ रहा था और भगवान के दायरे में कदम रख रहा था। आप सभी को मरना है। यद्यपि यान गुशेन ने बौद्ध सुनहरे शरीर को प्रकट किया, लेकिन उसकी आंखें रक्तलाल थीं, एक मृत आत्मा शूरा की तरह, और उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी, चालाकी से एक चांदी के शटल के आकार के सैनिक पर हमला किया और उसे गोली मार दी। अपने श्रेष्ठ देवता की साधना के आधार के साथ यह प्रहार, चाहे वह गति हो या शक्ति, कोई छोटी बात नहीं है। शटल के आकार के सैनिकों ने उड़ान भरी, जिससे हवा जल गई और आवाज गड़गड़ाहट की तरह तेज थी। जासूस यान गुशेन ने उसका हाथ पकड़ा, अपने हाथ में उड़ने वाले शटल के आकार के सैनिक को चुटकी ली और यूसी को देखा। बूम!
शटल के आकार का युद्ध सैनिक जो छह तत्व वाले सम्राट पवित्र हथियार के स्तर तक पहुंच गया था, यान बुशेन द्वारा एक हाथ से कुचल दिया गया था। और धातु के टुकड़े जल गए और सुनहरे बूंदों में पिघल गए। यह कैसे हो सकता है? चारों आंखों में अविश्वसनीय भाव थे। नोट एक, यह तियानमा एमयू है, तियानमा लाओ नहीं। नोट दो, दानव परमेश्वर के 72 स्तंभ मूल नहीं है, यह राक्षस साहित्य सुलेमान की कुंजी सुलेमान के राक्षस परमेश्वर के 72 स्तंभों से लिया गया है। नोट तीन, जादू के तीन प्रमुख स्रोत दानव पूर्वज, महान दानव भगवान और स्वर्ग दानव। अध्याय 2460 जादू का स्रोत ने लिखा है कि जादू के तीन प्रमुख स्रोत अलग अलग हैं। प्रेव नेक्स्ट।